तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करें। ये तो आपका प्रॉपर तरीका हो गया करने का, लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, फंक्शन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चंस होते हैं या चेन रूल के क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर द इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और उस अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आप डमी वेरिएबल डाल के आप चेन रूल लगाने लगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा हॉच पॉच हो जाएगा। खैर, तो उसे थोड़ा डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो वो देखिए, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज करते हैं आउटर फंक्शन को। अगर आपने आउटर फंक्शन रिकॉग्नाइज कर लिया तो आप सिर्फ इमीडिएट जो आउटर फंक्शन है, सबसे आउटर फंक्शन एट ए टाइम, एक आउटर फंक्शन जो सबसे आउटर फंक्शन है वो डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ सबसे आउटर फंक्शन आपका साइन है, ठीक है। तो साइन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो दैट इज रिटेन एज ए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। और साइन डिफरेंशिएट हुआ है अपने अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में, मतलब अंदर वाला वैसे एज इट इज लिखा जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, लेकिन ये चेन खत्म नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि साइन के बाद कौन डिफरेंशिएट होने वाला है, ए एक्स प्लस बी, तो दैट इज ए एक्स प्लस बी। अब हम प्रोसीड करेंगे इसको, तो दैट इज कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, एंड इसका डी बाई डी एक्स हम लोग यहाँ निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स निकाले थे हम, क्या आया था इसका, ए आया था, तो दैट इज ए, दैट विल बी ए टाइम्स कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ये आपका थोड़ा जल्दी हो गया इस तरीके से, तो ये हम कहेंगे दैट इज द अल्टरनेटिव मेथड, और यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन में अप्लाई होता है। लेकिन थोड़ा सा और आप फास्ट कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। कैसे, आपको निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक स्टेप हमें, ये जो एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहे हैं ये भी नहीं लिखने की जरूरत है, आप सारे सीक्वेंस आप पहले रिकॉग्नाइज कर लीजिए आउटर टू इनर। यहां पे आपका क्या था, सबसे आउटर फंक्शन साइन था, फिर क्या था आपका ए एक्स प्लस बी था, और फिर एक्स, तो ये हो गया साइन, देन आपका ए एक्स प्लस बी, और ये आपका एक्स का फंक्शन है। तो ये एक चेन बन गई, ठीक है। तो ये पहली कड़ी हो गई चेन की, ये आखिरी कड़ी हो गई चेन की, जो एक्स एज ए इनपुट ले रहा है। तो जो पहली कड़ी चेन की है वो पहले डिफ्रेंशिएट होगी, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन आप क्या लिख दोगे, कॉस लिख दोगे। और ये ध्यान रहे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस तो लिखेंगे लेकिन कॉस एक्स नहीं लिखेंगे, जो साइन के अंदर फंक्शन है वही लिखेंगे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी। अगली चेन की कड़ी डिफरेंशिएट होगी, जो यहाँ पे आखिरी भी है जहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो ए एक्स का आपका ए आ जाएगा, ठीक है, और बी चूंकि कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो ये आपका ए आ गया। तो आप देख रहे हो एक स्टेप का ये प्रॉब्लम है, जबकि वहां पे प्रॉपरली किया गया तो दैट टेक्स ह्यूज स्पेस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा स्पेस, थोड़ा कम स्पेस लिया, लेकिन यहाँ भी स्पेस लिया ये, और यहाँ पे एक लाइन में हो गया। तो जो आप प्रैक्टिकली जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप यही फॉर्मेट अप्लाई करते हो, ठीक है, ये इसी का रिड्यूस्ड वर्जन है, आप अपनी समझ को सिर्फ इम्प्रूव करिए,